जय श्री राम दोस्तों, स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल में फिजिकल फिटनेस एंड ब्लॉग। एक नई वैकेंसी निकली है दोस्तों छत्तीसगढ़ नगर सेना से। आप इसे 10वीं पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसका ऑनलाइन आवेदन 10/7/24 से शुरू हो चुका है और 10/8/2024 तक रहेगा। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जनरल OBC 300 रुपये लगेगा और ST/ST 200 रुपये। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने ज़िला के नाम के हिसाब से आप भर सकते हैं फॉर्म को। ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा दोस्तों, आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों फिजिकल इसमें हाइट भी दिया है दोस्तों। इसमें आप अपने हाइट देख सकते हैं, 168 सेंटीमीटर दिखा है और ST/ST से भी 158 सेंटीमीटर। इसमें दोस्तों फिजिकल में 100 मीटर दौड़ होगा दोस्तों, 800 मीटर लंबी कूद, ऊंची कूद, ये फॉरेस्ट गार्ड टाइप का होगा दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन पूरा। इसमें दोस्तों आपको फिजिकल में 100 अंक का होगा, जिसमें 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है जनरल OBC को, और ST/ST को दोस्तों 40 नंबर। आप ये देख सकते हैं। तो चलिए हम भी फॉर्म भरते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों हम सिस्टम पे आ गए हैं, वाईफाई से कनेक्ट कर लिए दोस्तों। अब दोस्तों हम नगर सेना का ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन करेंगे। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अब आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां रजिस्ट्रेशन का साइन दिख रहा होगा बड़ा सा, उसे क्लिक करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, पहले रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर ये ऐसा खुल के आएगा। फिर इसमें दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल डालना है। सबसे पहले दोस्तों आपको पोस्ट अप्लाइंग सेलेक्ट करना है दोस्तों। इसमें दोस्तों होम गार्ड वैन वुमेन जनरल ड्यूटी है और एक तो हॉस्टल ड्यूटी है, वो सिर्फ वुमेन के लिए है। फिर दोस्तों आपको नेम डालना है, फिर फादर नेम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर दोस्तों आपको इसमें OBC है तो OBC डालना है, ST/ST आप कास्ट के हिसाब से। चलिए दोस्तों हम फॉर्म डालते हैं अपना। सबसे पहले नाम डालेंगे दोस्तों, अपना नाम डालना है दोस्तों। दोस्तों आप इसमें अपना नाम 10K मार्कशीट के हिसाब से डालना है। फिर दोस्तों अपने फादर नेम डालना है इसमें, फिर आपको दोस्तों इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपको दोस्तों जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर दोस्तों आपको OBC या आपका ST/ST आपका जो कास्ट होगा वो सेलेक्ट करना है। फिर इसमें दोस्तों आपको मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस डालने के बाद दोस्तों आपको एड्रेस डिटेल डालना है दोस्तों। इसमें परमानेंट एड्रेस में जो आपका मूल निवास वाला है वो वाला एड्रेस डालना है, और करस्पॉन्डिंग एड्रेस में दोस्तों जो आप प्रेजेंट में रहते हैं वो एड्रेस डालना है। फिर आपको दोस्तों अदर इंफॉर्मेशन में डालना है, आपको कट का निशान हो या कुछ भी मोल या मार्क हुआ तो आपको उधर डालना है दोस्तों। आप नक्सल क्षेत्र से हो तो आपको यस करना है, और नक्सल क्षेत्र से नहीं होगे तो आपको नो करना है। कि आपको रोजगार पंजीयन बना होगा छत्तीसगढ़ से, वो आपको डालना है, और आपको डेट इशू और वैलिड डेट डालना है। चलिए दोस्तों हम सब डिटेल अच्छे से डाल लिए हैं, अब सबमिट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, आपको 10-12 ग्रेजुएशन। इसमें दोस्तों आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम डालना है और ईयर डालना है। आपके पास दोस्तों या आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगा तो आपको यस करना है, या NCC सर्टिफिकेट होगा तो आपको भी यस करना है नीचे सेकंड कॉलम में। या आपको ड्राइविंग लाइसेंस होगा दोस्तों तो ड्राइविंग लाइसेंस में यस करना है, फिर डिटेल भरना है, फिर बाकी दोस्तों आपको नीचे में सभी को नो करना है। ये दोस्तों आप डिटेल भर गया है, आप प्रोसीड करते हैं। ऐसा पेज खुल के आएगा दोस्तों, फिर आपको पूरा अच्छे से डिटेल को देख लेना है, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। फिर दोस्तों नीचे में बॉक्स बना होगा, उसे ब्लू टिक करना है, फिर कैप्शन में जो अल्फाबेट लिखा है उसे वो लिखना है, फिर दोस्तों सबमिट करना है। ऐसा दोस्तों आपको शो होगा तो ओके दबाना है, कि आपको पूरा सब अच्छे से देख लिए हो तो आप सबमिट करना। फिर दोस्तों सबमिट हो जाएगा, फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा। फिर दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करने से दोस्तों ये पेज खुलेगा, फिर आपको सभी आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपको सभी को अपलोड करना है। और सभी का दोस्तों साइज 200 KB रहना चाहिए, JPG फाइल होना चाहिए। चलिए दोस्तों हमारा सभी डॉक्यूमेंट अब अपलोड हो चुका है, तो नीचे में ब्लू टिक है बॉक्स, उसको सभी को ब्लू टिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोसीड करना है। वैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे दोस्तों
इस दोस्तों आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको पेमेंट करना है। आप दोस्तों पेमेंट इससे कार्ड से कर सकते हैं या UPI से भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद दिखाते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ शो होगा, दोस्तों ये ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए वैकेंसी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।